नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्वच्छ भारत अभियान के केंद्रीय सचिव परमेश्वर अय्यर ने की सौजन्य भेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ग्लोबल स्किल पार्क की समीक्षा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रदेश में गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि ईमानदारी से अपने अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करें और संविधान के अनुरूप आचरण करते हुए समरस प्रदेश के निर्माण में स्वयं को समर्पित करें। ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस गोविंदपुरा आईटीआई में आगामी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर के 4 पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी, राज्य रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत देशमुख और मुख्य सचिव बीपी सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि ग्लोबल स्किल पार्क अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप समय सीमा में पूरा किया जाए। इसका निर्माण निर्धारित रोड मैप के अनुसार पूरा हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान अविलंब और सहजता से मिलना चाहिए। किसानों को भुगतान प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत और देरी नहीं हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में गेहूं उपार्जन की अग्रिम तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने गेहूं खरीदी, परिवहन, भंडारण और भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव बीपी सिंह भी मौजूद थे। अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को देश की कला, संस्कृति और पर्यटन स्थलों से रूबरू कराने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र के बाद भारत दर्शन यात्रा से जोड़ा जाएगा। ये बात अनुसूचित जाति विकास विभाग के राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कही। आर्य ने कहा कि राज्य शासन के अनुसूचित जाति कार्य और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा पिछले 18 सालों से इस वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है। उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव के समय उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह, राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व आयुक्त जिया शुक्ला, स्टेट आइकॉन पद्मश्री प्रहलाद टिपाड़िया और अभिनेता राजीव वर्मा सहित अन्य विशेषजन इस अवसर पर मौजूद थे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।